मामा बहुत खड़ूस है। बताएंगे खाना क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। 10 रुपए के बिस्किट के पीछे लड़ाई करती है। मम्मी क्या करेंगे? सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब बज रहे हैं सुबह के 10 o'clock। और लास्ट ब्लॉग में आप सबने कहा था आप अपने मायके वाले फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन कराओ। आज मेरा काम कम था तो मैं मम्मी के घर आई हूँ, आप सबको इंट्रोडक्शन कराने के लिए भी आई हूँ, प्लस मुझे थोड़ा काम था इसीलिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना काम दिखाती हूँ। मैं ये लाइट मेरी ख़राब हो गई थी, मेकअप लाइट, जो कि मेरा भाई ठीक कर देता है। ये सारा काम मेरा भाई करता है, मैंने आपको हर ब्लॉग में बताया है। तो इस लाइट ख़राब होने की वजह से मैं मम्मा के घर आई। और ये है मेरी मम्मा और ये है मेरी सिस्टर, जिनको आप जानते हो। इंट्रोड्यूस कराने नहीं आई, इधर घिसवाने आई है फिर। नो नहीं नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है। मैं जस्ट, मेरी बेंटी गंदी भी हो गई थी, लाइट खराब हो गई, नहीं आई थी पहले, बता। आई उसी कारण थी, लेकिन एक तीर से दो निशाने मार दिए। तो चलो, लाइट ख़राब हो गई तो मैंने कहा चलो यहाँ पे हम सारा मेकअप सारा क्लीन करते हैं, बिकॉज ये हमारी रोजी रोटी है, इसको हमें बहुत प्यार से सजा के रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सबको लगता है। अच्छा। ये भाई मेरा सेवा कर रहा है मेरी। ये केदारनाथ से आ चुका है, जब आपको तीज के ब्लॉग में ये दिखा नहीं था। ये देखो, ये नींबू पानी बना रहा है यहाँ पर, बहुत काम करता है मेरा भाई। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ अपने ब्रशेस। सो गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि आप सबने कहा था आपने अपने फादर के साथ इंट्रोडक्शन नहीं कराया, मेरे पापा को लेके क्वेश्चन किया था, तो वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब 4 साल हो चुके हैं उनको एक्सपायर हुए हुए, तो तभी जाके मैं ज़्यादातर इस साइड में ब्लॉग कम करती हूँ ताकि मेरी मम्मा को हर्ट ना हो। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करती हूँ। आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई। ये देखो मेरा भाई लेकर आ गया नींबू पानी। ये पापा के नाम पे रोने लग जाता है गाइस। हाँ, ये पापा के नाम पे रोने लग जाता है। He is very sensitive. उसके सामने पापा का नाम लो तो वो बहुत रोने लग जाता है। क्योंकि ये पापा का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। ये जो मेरा भाई है मेरे पापा की, कभी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने देता। जब भी मैं आती हूँ अच्छा करता है और हर टाइम मेरा साथ देता है, हर चीज़ में मेरी हेल्प करता है। कुछ भी मुझे ज़रूरत होती है, कोई भी काम होता है तो सारा कुछ यही करता है, फेस्टिवल्स हो कोई भी काम हो, तो ऑल द टाइम ये मेरा साथ रहता है। सो मैं टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। तो अब मैं आप सबको पूरे दिन की एक्टिविटी दिखाती हूँ। ये मेरा कोई काम नहीं करती है क्योंकि ये मेरे से 10 रुपए के बिस्किट के पीछे लड़ाई करती है कि मेरे को खिलाती नहीं है, 10 रुपए के बिस्किट भी नहीं खिलाती है। मम्मी कौन लड़ता है, आपकी छोटी बेटी या बड़ी बेटी? दोनों बराबर ही है, मैं क्या बोलूं। फेयर इनफ। तो मैं मम्मी के घर भी बहुत कम आती हूँ, आप सबने देखा होगा मैं घर पे ही ज्यादा रहती हूँ, बहुत ज्यादा अपने मायके नहीं आती हूँ और मुझे आके ज्यादा यहाँ पे बैठना भी पसंद नहीं है। जहाँ मेरे घर में बेटी आती है मेरे को बहुत ज़्यादा खुश होता है, मन से मैं बहुत खुश होती हूँ। आगे पीछे जब बेटी नहीं आती तब मैं रोना लगती हूँ, जब बेटी आती तब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। हमने इतनी अटैचमेंट, हमने मम्मी से थोड़ी सी दूर नहीं करी तो वो अपनी बहुएं के साथ अटैचमेंट कैसे करेंगे, बताओ। इसीलिए हम चाहते हैं वो अपनी बहुएं के साथ अटैचमेंट रखें, हम थोड़ा सा दूर रहें। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ कार वॉश कराने, सबसे पहले बिकॉज कार जो वॉश है, मैं एक हफ्ते से कार वॉश नहीं हुआ है, तो कल मुझे जाना है कहीं बाहर मेकअप करने, तो इसीलिए तो अब मैं करा के आती हूँ कार वॉश। सो गाइस, फाइनली अब मैं कार वॉश करा के वापस आ चुकी हूँ एंड रेडी भी हो चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी सिस्टर को पिक करने, और अब मैं जा रही हूँ कल की शॉपिंग करने के लिए। सो गाइस, ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और यहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल सच में पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि रात को हम बहुत लेट नाइट तक हमने काम किया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने। देखो, इसने मुझे कहा था कि पेट्रोल डलवा के जाते हैं, नहीं मैंने इसको कहा था कि पेट्रोल डलवा के जाते हैं और इसने बोला कि झूठ है। ये वाकई में सच है, इसने बोला था कि पेट्रोल डलवाते हैं। गलती हाइड कर रहे हैं। गलती हाइड नहीं कर रही हूँ, रात को बहुत लेट हो गए थे, सच में रात को लेट हुए थे कि नहीं ये बताओ। लेट हुए थे, पर ये लाइन जो थी वो मेरी थी, आपने चेंज कर दी। तो मैंने सोचा कि चल कल सुबह डलवा लूंगी, तो अभी हम मॉल जा रहे थे तो 20 रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, बताओ।
तो ये हमारे जीजू आ चुके हैं, मुझे बहुत गुस्सा कर चुके हैं पेट्रोल लेके। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं मॉल और यहां पे बहुत खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं पर मैं नहीं देखूंगी। कपड़े नहीं खाते, मामा बहुत खड़ूस है, अगर आ गया ना मामा को गुस्सा तो अच्छा बना के खिला देंगे। मामा खाने के बहुत शौकीन है, मामा बताएंगे खाना क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। मामा सारा दिन फूडी बना लेंगे अपनी तरह। सो गाइस ये इसकी अलमारी है और ये देखो इसकी हरकत है, ये देखो दीदी यहाँ से देख रहे हैं, ये देखो ये सारी अलमारी इसने खाली कर दी अपनी, ये देखो अभी आके मार खाएगा। हैं मम्मा मारेंगे, मम्मा क्या मारेंगे, ये देखो पूरी अलमारी। मैं तो मम्मी को शिकायत लगा दूंगी, मारेगी बहुत मम्मी। ये देखना 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 इसकी हरकतें, ओ माय गॉड तेजस नो कहाँ गया, देखना वहां ले जाके क्या करेगा, ढेर लगा के मम्मी बहुत पिटाई करेगी। देखा तेजस मम्मी कहाँ पाइया करते हैं। तो ये हमारी शानू खेल रहे हैं, मेरी क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पाई है। वीडियो बनाऊं, ये कहता है मैं सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंकूंगा और मेरी वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, वीडियो बनाऊं, वीडियो कहता है वीडियो। देखो ये आयुष मस्त है गेम में, ये देखो शोना वीडियो बना रही हूँ मैं तेरी, मम्मी को दिखाऊंगी, मैं मम्मी को दिखाऊंगी और तेरे को पिटाई करवाऊंगी मैं, बस कर दे तेजस, बस कर बेटा। वाओ नहीं है मम्मी, ये देखो गाइस इसने अपने सारे कपड़े कहाँ ढेर लगाए हैं, तो तय लगे हुए कपड़े, धोए हुए कपड़े, इसके देखो हाल, यहाँ से उठा उठा के अपने पूरी अलमारी इसने खाली कर दी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। मम्मी आएगी ना इसकी मार बहुत पड़ेगी, मम्मी हाँ मम्मी पाई या पिट्टी, मम्मी पिट्टी, मम्मी क्या करेंगे पिट्टी, पिट्टी करेंगे ना, तो ऐसे क्यों कर रहे हो फिर, ऐसे क्यों कर रहे हो फिर, क्यों कर रहे हो, मत करो ना फिर ऐसे मत करो, हाँ मम्मी पाई या करेंगे पिट्टी करेंगे, बुई भी करेंगे, बुई बुई ये दीदी को बोलता है राधे राधे। अच्छा ये टी शर्ट में ये ना मम्मी ने वहां से लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, ये वृंदावन से, तो इसके टी शर्ट में था तो ये कहता है राधे राधे टी शर्ट, क्या है ये दादी टी शर्ट, ये कौन है राधे राधे ना, आपको नहीं एक ही राधे है, मम्मी आके पाई या करेंगे, मैं कुछ नहीं, मैं बचाने नहीं आऊंगी, नामो कप्पा मतलब बहुत सुंदर कपड़ा इसके लिए, हाँ भीतरा भीतरा मतलब अंदर गाइस, इसका भीतरा मतलब अंदर, हाँ बहुत अच्छा, ये है ना ये लेके आल करे हाँ, ये आ गई इसकी मम्मी, ये इसको लग गया शौक, मम्मी पाई है, क्यों फिर क्यों किया था ये, क्यों किया था फिर, इसको तो रखना है ना अंदर, अंदर हाँ रखो अंदर, आजो बहनी का, वो बहनी का है, इसकी मम्मी आ गई और संभालेगी अब काम बढ़ा दिया।
सो गाइस, अब मैं मॉल से वापस आ चुकी हूँ और आज की पूरे दिन की एक्टिविटीज़ तो आप सबने देख लिया होगा और मेरी कल की तैयारी हो चुकी है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।